this role. Aarya sir, from the last till the lockdown, मतलब 7-8 महीने से काफी negativity का माहौल है इंडस्ट्री में, and lot have been talked about the celebrities consuming drugs ऐसा, तो उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे कि वो soft target बनाना celebrities को, खासकर Bollywood celebrities को वो कहाँ तक unethical मानते हैं या impractical मानते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ड्रग्स लेना ही गलत है, ठीक है. इट डज नॉट मैटर कि आप सेलिब्रिटी हैं कि आप नॉर्मल इंसान हैं, आप कौन हैं, ठीक है. इट डज नॉट मैटर. ये आपके सिस्टम को एक सर्टेन इफेक्ट करता है. लेकिन सेइंग दैट, आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं आज जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं? कितने एक्टर, जाने दीजिए सर, कितने नेता हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो ड्रग्स नहीं कर रहे हैं? कितने ट्रक ड्राइवर्स हैं जो अफीम खा के ट्रक नहीं चलाते हैं? तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप टारगेट करिए सेलिब्रिटीज़ को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए टारगेट. और ये शायद ये बोलने के बाद मुझे भी टारगेट किया जाएगा और मेरे घर पर आके सर्च कर लेंगे, और मुझे कोई स्ट्रेस तो है नहीं, मैंने तो आज तक किया नहीं. आ जाओ, जब आना आ जाओ, सबको पता मैं कहाँ रहता हूँ, बट है ना क्या, तो उस बात का तो कुछ है नहीं. बट पॉइंट ये है कि आप सेलिब्रिटी को टारगेट करके एक एपिसोड बनाना चाह रहे हैं या चर्चे में आने चाह रहे हैं. That is not fair. I'm not understanding what is happening. Maybe there are not too many news happening this year, and some people are trying to create news. Maybe it's that. आपको लगता है सेलिब्रिटी को छोड़कर नेताओं पे फोकस करना चाहिए कि कौन ड्रग्स लेता है, उनके नाम भी सामने आने चाहिए? I think अभी सबसे पहले जो मेन इशू है वो फोकस पे आना चाहिए. जो इशू है हमारे किसानों का, ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए. उसके बाद हम लोग देख लेंगे किसको फोकस में लेना है और किसकी लुंगी उतारनी है. सर देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, वो आपकी ख्वाहिश है, आप जाना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, आप आना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं. अब अगर आप आके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, अगर किसी की फैक्ट्री ऑलरेडी है और वो फैक्ट्री अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है, और वो चाहता है उसका बेटा उस फैक्ट्री को चलाए, चाहे उसका बेटा नीचे से आके ऊपर आया, काम किया, सब कुछ किया, तो क्या भाई वो आदमी गलत है जिसने इतनी मेहनत करके फैक्ट्री बनाई थी और वो वहाँ पर दूसरी कंपनी खोलकर एक नया बंदा आकर अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता है? तो यार वो तो बंदा कोशिश करेगा ना, वो अपना खोले, उसका आप उसके कॉम्पिटिशन हो. बट दीज आर बिजनेस थिंग्स. अभी फिलहाल मैं अगर इसको इस एंगल से देखूं, मैं नेपोटिज्म को अपने एंगल से देखूं, हाउ हैज नेपोटिज्म हेल्प्ड मी? हाउ इज इट हेल्प मी? माय फादर नेवर लॉन्च्ड मी, माय फादर हैज नेवर मेड अ मूवी फॉर मी. रादर मैं कहूँगा मेरे पिताजी इकलौते हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पिता हैं जिन्होंने बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए फिल्म बनाई है. बब्बर हाउस ने जूही बब्बर के लिए फिल्म बनाई है, आर्य बब्बर के लिए नहीं बनाई है भाई. और जहाँ बात आती है मेरी पंजाबी फिल्म करियर की, वो भी मैंने खुद क्रैक किया है, मैंने खुद ऑडिशंस दिए, मैंने खुद काम किया. मेरा जो भी काम हो सिवाय मेरी पहली फिल्म के, हाँ मेरा पहली फिल्म मुझे शायद इस वजह से मिली क्योंकि उस समय सडनली एक फेज आया था कि स्टार सन्स को लॉन्च करो, क्योंकि ऋतिक साहब हिट हो गए थे, तो सबको लगा था अगर स्टार सन्स आएंगे तो फिल्म हिट हो जाती है फ्राइडे को. तो हम सब लॉन्च हुए थे, तुषार भी हुए थे, हम भी हुए थे, विवेक भी हुए थे, फिर कुछ वक्त बाद शायद भी आए थे, तो ऐसे हम 2-4 आए एंड उस दौर में हम भी आए. अगर अब फिल्म अच्छी नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किसके बच्चे हैं, आप किसकी औलाद है, आप किसके पड़ोसी हैं.